जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों अगर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, परिवार में परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, पैसा आता है पर पानी की तरह चला जाता है, लाखों कमाते हैं फिर भी घर में पैसों में बरकत नहीं होती, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसे आप शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन से शुरू करें। शनिवार के दिन से आपको लगातार 21 दिन का ये छोटा सा उपाय करना है। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, नौकरी के लिए जाते हैं इंटरव्यू में सफल नहीं होते, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कलेश रह रहा है, पैसों में बरकत नहीं है, घर में किसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है, यहां तक कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया हुआ है, उसका भी निवारण इससे हो जाता है। दोस्तों आपको करना यह है कि आप बाजार जाओगे, बाजार से आपको पापड़ लेकर के आने हैं, काले उड़द के, जिन पापड़ों को आप खाते हैं कच्चे पापड़ लेके आने हैं, काले उड़द के, काले माँ भी कहते हैं। आप 42 पापड़ लेकर के आए और शनिवार के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 2 पापड़ लेने हैं, उन पापड़ों पर थोड़ी सी दही डालें, थोड़ा सा सिंदूर डालें चुटकी, और 5 काली मिर्च रखें, और इनको आप ढक करके पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, मंदिर में हो, पार्क में हो, कहीं रोड पर खड़ा हो, कहीं भी पीपल का पेड़ हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, पीपल के पेड़ के नीचे रखें, और रख करके आप अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद में 7 परिक्रमा कर लें। अगर परिक्रमा का स्थान नहीं है तो जिस जगह खड़े होकर पूजा करें उसी स्थान पर 7 बार घूम जाएं। 7 परिक्रमा करके उसके बाद में प्रणाम करके चले आए, पीछे मुड़कर के ना देखें, और पीछे से अगर कोई आवाज देता है तब भी पीछे मुड़ के ना देखें। घर आकर के अपने हाथ पैर धोएं, हाथ पैर धोकर के अपने घर के अंदर जाए, कमरे के अंदर जाए। केवल 21 दिन इस उपाय को कर लेना, देखना किसी भी तरह की समस्या है, हर समस्या का निवारण हो जाएगा। सभी समस्याओं को ये अचूक उपाय, दरिद्रता घर से बात जाती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।